प्रायोजक हैं होटल फाइव सेंसेस, एके टेंट एंड केटरर। साई प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी फरियादियों की समस्याएं, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बृहद रोजगार मेले का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह से जनपद वासियों को दी 122.29 करोड़ रुपए की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 टूरिस्ट बस, 10 इलेक्ट्रिक बस, 25 कूड़ा कलेक्शन वाहनों सहित अन्य वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था व विकास कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ की मंडलीय समीक्षा बैठक। अपर निदेशक स्वास्थ्य व सीएमओ ने जिला महिला चिकित्सालय में बाल स्वास्थ्य पोषण माह का किया शुभारंभ। मियां साहब अदनान फारूक अली शाह के नेतृत्व में निकला गश्ती जुलूस, मांगी गई शांति एवं अमन की दुआएं। अब जिला चिकित्सालय के नए SIC होंगे डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर, पूर्व की तरह सीनियर रेडियोलॉजिस्ट के दायित्वों का करेंगे निर्वहन। और योगीराज बाबा गोरखनाथ प्रेक्षागृह में प्रदेश के विभिन्न कोनों से आए हुए कलाकारों ने अपनी कलाओं के माध्यम से मौजूद लोगों को मोहा मन। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को जहां विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत कर महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम किया, वहीं बुधवार की सुबह हिंदू सेवाश्रम में लगे जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूर दराज से आए हुए फरियादियों से मुलाकात की और उनकी विभिन्न समस्याओं से अवगत होकर संबंधित कार्यों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए न्याय संगत कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। इस दौरान ADG अखिल कुमार, मंडलायुक्त रवि कुमार NG, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, SSP डॉक्टर गौरव ग्रुवर, SP सिटी कृष्ण विश्नोई सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को रोजगार के साथ ही विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 10,000 युवाओं को नौकरी देने की तैयारी की गई है। बता दें कि इस रोजगार मेले में देश की कई नामचीन सहित 50 से अधिक कंपनियों के प्रतिनिधि युवाओं के चयन के लिए मौजूद रहे। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने हाथों से कुछ युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर सौंपा और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। साथ ही मौजूद लोगों को संबोधित कर रोजगार मेले के महत्व और इसकी उपयोगिता के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी दी। इस मौके पर व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, विधायक फतेह बहादुर सिंह, विपिन सिंह, डॉक्टर विमलेश पासवान, प्रदीप शुक्ला सहित बड़ी संख्या में संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। यही मतलब रास्ता तुमसे घुमाओगे ना।
माननीय महोदय आप लोग सामने सड़ जाइए थोड़ा सा और ऊँचे कर दो जितना हो सके पूरा ऊँचे कर दो और भैया हट जाइए आप। धन्यवाद महोदय। सामने से कृपया हट जाइए एकदम उठा लीजिए भैया एकदम सामने। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। मैं माननीय राज्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इसी क्रम में मैं माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें। स्वागत के इस क्रम में मैं माननीय राज्य मंत्री व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास श्री कपिल देव अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वे स्मृति चिन्ह भेंट कर। हमारे युवाओं को युवतियों को समुचित रोजगार भी उपलब्ध कराएं। पहले हम लोग उनको दक्ष बनाते हैं किसी न किसी स्किल में और उसके बाद में उनका प्लेसमेंट भी करवाना सुनिश्चित करते हैं। सर आज इस मेले में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यहां आई हुई हैं, लगभग 125 कंपनियां 136 कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन अपना करवाया यहां आने का। हमें पूरा यकीन है कि वो सभी यहां आई हैं आज। सर उन सब की तरफ से जो अपनी रिक्तियां हमको बताई हैं वो लगभग 18,000 हैं और ये फिगर और बढ़ता ही जा रहा है जैसे जैसे आज का समय गुजरता जा रहा है। तो इतनी बड़ी बड़ी संख्या में नौकरियां विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान करने का एक लक्ष्य लेकर के जो विभाग चल रहा था आज आपके नेतृत्व में आपके मार्गदर्शन में ये आपके सामने सर प्रस्तुत है। पूर्वांचल के अधिकांश जनपदों से सभी बच्चों को हम लोगों ने बुलाया है। वेस्टर्न यूपी में अलग एक कार्यक्रम हो चुका है, सेंट्रल यूपी में लखनऊ में कार्यक्रम हुआ था, वेस्ट में सहारनपुर में हुआ था और इसी प्रकार से प्रत्येक 21 तारीख को हर महीने की 21 तारीख को सर हम अपनी आईटीआई जो नोडल आईटीआई है जनपद की वहां पर एक रोजगार मेला लगातार चलाते रहते हैं। सतत रूप से ये कार्य चल रहा है। कुमारी पूजा, रिलायंस हॉस्पिटल मुंबई के लिए आपका चयन हुआ है। आप पेशेंट केयर अटेंडेंट के रूप में नियुक्त हुई हैं। नूर जहां, नूर जहां, रिलायंस हॉस्पिटल मुंबई के लिए आपका चयन हुआ है पेशेंट केयर अटेंडेंट के लिए। श्री शिव हरी टिकट ऑपरेटर गुड़गांव के लिए आपका चयन हुआ है। गौतम तिवारी आपका चयन CSC एकेडमी MIS मैनेजर के लिए हुआ है। दिव्या पाठक, डार्क एंड लाइट क्लोथिंग कंपनी में आपका फैशन डिजाइनर के रूप में चयन हुआ है। सुनील कन्नौजिया, आपका चयन डोमिनेंट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के लिए हुआ है। गीतांजलि शर्मा, आपका चयन एकेडमी ऑफ कंप्यूटर टेलीकॉलर के पद के लिए। अंकित कुमार शर्मा, आपका चयन LNT लार्सन एंड टुब्रो के लिए ट्रेनी टेक्नीशियन के रूप में। विवेक त्रिपाठी, आपका चयन मारुति सुजुकी के लिए हुआ है। मारुति सुजुकी स्थानीय रूप से यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार प्रदान कर रही है। श्री नूर आलम,
मारुति सुजुकी के लिए ट्रेनी टेक्नीशियन, आदित्य मध्यशिया मारुति सुजुकी ट्रेनी टेक्नीशियन के रूप में चयन हुआ है आपका, श्री सुमित कुमार दुबे, श्री सुमित कुमार दुबे मारुति सुजुकी के लिए आपका चयन हुआ है, मारुति सुजुकी गोरखपुर में, सूरज यादव मारुति सुजुकी के लिए ट्रेनी टेक्नीशियन और सूरज कुमार आपका भी चयन मारुति सुजुकी के लिए गोरखपुर में ही चयन हुआ है स्थानीय रूप से। आज आयोजित होने वाले रोजगार मेले में विभिन्न रोजगार परक योजनाओं के अंतर्गत चेक वितरण किए जाने वाले अभ्यर्थी ODP मार्जिन मनी योजना श्री ऋषिकेश यादव, मोहम्मद जमशेद खान, मोहम्मद जमशेद खान श्री सनी शर्मा, श्री सनी शर्मा आटा चक्की के लिए। उत्तर प्रदेश की GDP को हमें दुगना करने में सफलता प्राप्त हुई और मैं इसीलिए कह सकता हूं कि अपने युवाओं के बल पर, अपने हस्तशिल्पियों के बल पर, अपने उद्यमियों के बल पर हम अपने उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री मोदी जी के देश के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी देश को बनाने के क्रम में उत्तर प्रदेश को अगले 5 वर्ष के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में जो कदम बढ़ाए हैं उसके लिए इस प्रकार के रोजगार मेलों की एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी और उसी लिए आज हम सब आपके बीच में आए। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के, यानी डबल इंजन की सरकार मिलकर के तेजी के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मैं भी देख रहा था यहां पर जिन नौजवानों को हमने नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराए हैं, किसी को मारुति सुजुकी में उपलब्ध कराया है, किसी को रिलायंस जियो में उपलब्ध कराया है, किसी को किसी अन्य में उपलब्ध कराया है और वे सभी हंसते हंसते खुशी खुशी अपना नियुक्ति पत्र लेकर के अपनी राह बनाने का कार्य भी कर रहे हैं। सरकार रास्ता दिखा सकती है और सरकार के यही रास्ते हैं, पीएम स्टार्टअप की योजना हो, पीएम स्टैंडअप की योजना हो, मेक इन इंडिया की योजना हो, पीएम मुद्रा योजना हो, या फिर राज्य के अंदर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हो, या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना, या विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना, सरकार इन सभी कार्यक्रमों के साथ अपने युवाओं को, अपने हस्तशिल्पियों को, अपने कारीगरों को जोड़ने का कार्य कर रही है, उन्हें आर्थिक स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करके उन सभी युवाओं और हस्तशिल्पियों और कारीगरों के बल पर उत्तर प्रदेश को आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ाने का कार्य उत्तर प्रदेश सफलतापूर्वक विगत 5 वर्षों से आगे बढ़ा रहा है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है आज जब यहां पर हम कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी विगत दिनों आपने देखा होगा नई सरकार का गठन हुआ। मैं आप सभी युवाओं को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया और सरकार बनते ही हमने सबसे पहला काम किया 80,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतार करके उसके माध्यम से 20 लाख नौजवानों के लिए नौकरी की संभावनाओं को उसके माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया है। और यही नहीं, हम लोगों ने स्वतः रोजगार के साथ जुड़ने के लिए अभी पिछले दिनों एक स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ मिलकर के MSME विभाग ने प्रदेश के अंदर बड़े लोन मेला का आयोजन किया गया था जिसमें 1,90,000 हस्तशिल्पी कारीगर और युवाओं को बैंकों के साथ सीधे लोन की सुविधा के साथ जोड़ करके उन्हें सस्ते दर पर लोन उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया।
दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में जनपद वासियों को 122.29 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास बटन दबाकर किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाले कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें उपहार दिया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को आवास की चाबी भी प्रदान की। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुड़धुइया नाले की सफाई में विशेष सहयोग करने वाले नाविकों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी। वहीं नगर निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों की जमकर सराहना करते हुए कहा कि जल जनित बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर कहीं से कोई लापरवाही ना बरती जाए, साफ सफाई के कार्यों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, साथ ही समय समय पर दवाइयों का छिड़काव आदि भी कराते रहा जाए। इस दौरान नगर महापौर सीताराम जायसवाल, विधायक विपिन सिंह, राजेश त्रिपाठी, डॉक्टर विमलेश पासवान सहित बड़ी संख्या में लाभार्थी मौजूद रहे, उपस्थित थे। समस्त अतिथिगणों के सानिध्य में त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निदानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धामं त्वया ततं विश्वम् अनंतरूपम्। परम पिता परमेश्वर के चरणों में हम वंदना करते हैं। गोरखपुर के जनमानस समस्त आगे बढ़ता रहे। कर्पूर गौरम कर्णारकारम संसार सारम भुजकेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। परम आदरणीय इतना 456 योजनाएं नगर निगम को महाराज जी देती है। ये हमारे क्षेत्र के मुख्यमंत्री के साथ साथ जो हमारे एमपी हुआ करते थे, हमें इस बात का गौरव है कि उन्होंने गोरखपुर वासियों को प्राप्त करते हुए उत्कर्ष मिश्रा जी श्री अरविंद सिंह जी सन ऑफ श्री हरिश्चंद जी अरविंद सिंह जी सन ऑफ श्री हरिश्चंद जी अपना रोजगार पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कर पन्नों से प्राप्त करते हुए अनुप इधर देखो श्री ध्यानचंद जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्राप्त करते हुए नगर बस सेवा की ड्राइवर प्रेम जी दर्ज की पहचानते हो तत्पश्चात बोर्ड महोदय की कथनों से सम्मानित प्रसाद श्री हरिश्चंद जी तालियां बजती रहनी चाहिए। ये वो लोग हैं जो हमारे समाज में श्री अकाल जी हम पुष्पों के द्वारा इनके वाइफ और श्री विश्व कॉलोनी से श्री शिव प्रकाश मिश्रा जी सबके घर पर उनमें रहने के लिए आशा लिए हुए हम आमंत्रित करते हैं किरण देवी जी को कि आप मंच पर श्री श्याम बहादुर जी ये मिठाई ले जाओ घर में एक दिन सभी लोग बच्चों को खिलाना मोहल्ले वालों को इधर देखो इधर श्रीमती रीना देवी जी मिला करके आज समाज में आगे बढ़ने के लिए तत्पर। कृतिका जी ट्रांसजेंडर और रजनी जी ट्रांसजेंडर जो नगर बस सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आज समाज को लोगों को एक नई प्रेरणा देने के लिए तत्पर है कि प्रत्येक मनुष्य अपने क्रियाकर्मों के द्वारा आगे बढ़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में सदैव संरक्षित 125 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न होता हुआ कर्तव्य ध्वनि के साथ जोर न्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम और पूरे महानगर वासियों को इन सभी योजनाओं के प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं
पिछले 5 वर्ष के अंदर गोरखपुर ने अपनी पूरी तस्वीर बदली है। आज गोरखपुर अपनी एक नई पहचान बनाया है। कभी पहचान के लिए मोहताज गोरखपुर था। गोरखपुर को लोग माफिया और मच्छर के नाम पर जानते थे। हमारे गोरखपुर महानगर के युवाओं के सामने पहचान का संकट था। गोरखपुर का व्यापारी अगर कहीं उधार कोई सामान लेने का इच्छुक होता था तो कोई भी देश का उद्यमी उसे नहीं देता था। नौजवान को कोई नौकरी नहीं देना चाहता था। लेकिन पिछले 5 वर्ष के अंदर जो कार्यक्रम गोरखपुर के अंदर हुए और विकास की जिस लंबी छलांग को लेकर के गोरखपुर ने अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाया है, आज हम कह सकते हैं गोरखपुर की सड़कें भी दिल्ली और मुंबई जैसी चौड़ी चौड़ी सड़कें गोरखपुर महानगर के अंदर। गोरखपुर में एम्स है, बंद पड़ चुका खाद कारखाना फिर से चालू हो चुका है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के साथ फिर से संचालित हो चुका है और गोरखपुर में अब गोरखपुर का अपना जू है। गोरखपुर जैसा रामगढ़ ताल देश के अंदर किसी अन्य नगर के पास नहीं है। इतनी अच्छी सुंदर झील किसी और के पास नहीं है। एयरपोर्ट महानगर से इतना नजदीक हो देश के अंदर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यानी कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, आवागमन आसान हुआ है, सुविधाएं बढ़ी हैं। आज से 5 साल पहले अगर हमें 1200-1500 लोगों का कोई कार्यक्रम करना होता था तो बरसात के कारण स्थगित हो जाता था। आज आपके पास योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी के नाम पर यह सभागार और यह ऑडिटोरियम भी आपके पास है। सब कुछ आज गोरखपुर के पास है और उन्हीं सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए शासन स्तर पर बड़े बड़े कार्य स्वीकृत हुए हैं। आज आप चले जाइए गोरखनाथ रोड पर 4 लेन की मिलेगी, चले जाइए मेडिकल कॉलेज रोड पर 4 लेन की मिलेगी, चले जाइए महादेव झारखंडी रोड पर 4 लेन की मिलेगी, आप चले जाइए सहजनवा मार्ग पर 4 लेन की मिलेगी। गोरखपुर में बाईपास कालेसर से लेके जंगल कोडिया के बीच में बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह से नगर निगम की 122.29 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने के बाद 2 ई-टूरिस्ट बस, 10 इलेक्ट्रिक बस, 25 कूड़ा कलेक्शन वाहन और 2 JT कम सक्शन मशीन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर नगर महापौर सीताराम जायसवाल, उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा सहित बड़ी संख्या में संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इलेक्ट्रिक बसों को जीरो एमिशन के साथ
इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया, आज गोरखपुर नगर निगम की 125 करोड़ की लगभग 422 परियोजनाओं का माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही साथ 39 फोर व्हीलर गाड़ियाँ, जिनमें से कि 10 इलेक्ट्रिक बस, 2 इलेक्ट्रिक टूरिस्ट बस, इसके अलावा 25 डोर टू डोर कलेक्शन वाली गाड़ियाँ, 2 गाड़ी जेटिंग मशीन, कुल मिलाकर 39 गाड़ियों का भी उन्होंने हरी झंडी दिखाकर उसको जो है रवाना किया है। और इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि पूरा जो आज की जितनी भी योजनाएं थी उनके मूल में एक कॉमन मैन, एक कॉम सामान्य आदमी, जिसकी पहले कोई सुनने वाला नहीं था, आज उसकी हर जगह से उसकी सुनवाई होती है। और सारी योजनाएं जो बन रही हैं उसको मूल में, उसको केंद्र में रखकर पूरी योजनाओं का ताना बाना बुना जा रहा है। और यही वजह है कि जो समाज जो है बहुत ही तेज़ी से विकास कर रहा है गोरखपुर शहर को। जो लोग भी आज से कई साल पहले देखे होंगे और जब इधर गोरखपुर में आते हैं वो गोरखपुर को पहचान नहीं पाते हैं। तो निश्चित रूप से जो इन योजनाओं से और ज़्यादा ही तेज़ी से तीव्र गति से जो है विकास होगा और इससे सभी लोग लाभान्वित होंगे। विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुक्त सभागार में कानून व्यवस्था व विकास कार्यों को लेकर संबंधित कार्यों के साथ मंडलीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने शासन द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों को लेकर कार्य प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त की। साथ ही कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौजूद संबंधित कार्यों से कहा कि अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से रोकथाम लगाया जाए, अपराधियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, साथ ही वादियों को न्याय मिल सके इसका विशेष ध्यान रखा जाए, गैंगस्टर स्ट्रीटर आदि बदमाशों पर पैनी निगाह बनाई जाए। इस दौरान सीएम सचिव संजय प्रसाद, एडीजी जोन अखिल कुमार, डीआईजी जी रविंद्र गौड़, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अभी वक्त एक छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। एके टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह, हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, एलईडी, वीआईपी स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935908811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिन भर। जिला महिला चिकित्सालय में बाल स्वास्थ्य पोषण माह का शुभारंभ अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर इंद्र विजय विश्वकर्मा और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बच्चों को विटामिन ए की दवा पिलाकर किया। अभियान के तहत पूरे माह भर 9 माह से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक, छायाग्राम, स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस छाया VHSND सत्र के दौरान प्रत्येक बुधवार और शनिवार को दी जाएगी। इस खुराक में बच्चों को रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होगी, रतौंधी रोग और कुपोषण से भी बचाव होगा, साथ ही मानसिक दिव्यांगता पर भी कमी आएगी। इस मौके पर प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एन के श्रीवास्तव, ACMO RCH डॉक्टर नंद कुमार, जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर ए के चौधरी सहित बड़ी संख्या में डॉक्टर और नर्स मौजूद रहे। ये बस
इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर इंद्र विजय विश्वकर्मा ने बताया, आज का कार्यक्रम जो है आज 3 तारीख से बाल स्वास्थ्य पोषण माह का शुभारंभ किया गया है, जिसमें पूरे महीने 9 माह से लेकर के 5 साल तक के सभी बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। साथ ही साथ जो हमारे VHND सत्र होते हैं बुधवार और शनिवार, वहीं पर इन सत्रों का आयोजन होगा। इसके साथ ही साथ सभी बच्चों का नियमित टीकाकरण होगा, आयोडीन युक्त नमक के खिलाने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा, और साथ ही साथ जितने भी बच्चे हमारे कुपोषित हैं या अति कुपोषित हैं उनको चिन्हीकरण और उनका रेफरल और उनको जो सलाह दी जाएगी कि अच्छे से खाना खाया जाए। ये पूरा जो हमारा अभियान है 1 महीने तक चलेगा, जिसके सारे माइक्रो प्लान बना लिए गए हैं। उसी के क्रम में आज यहाँ पर जिला महिला चिकित्सालय में उद्घाटन किया गया है, ताकि सभी लोग इस विटामिन ए को आच्छादित हो जाए, जिससे तमाम होने वाली बीमारियाँ रतौंधी है, फ्राइंडरमा है, और जो भी डायरिया वगैरह से मुक्ति मिले। 1444 हिजरी की शुरुआत के साथ ही इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से साल का पहला महीना मुहर्रम शुरू हो गया है। ऐसे में मियाँ साहब स्थित इमामबाड़ा स्ट्रीट से पूरी रवायत के साथ मियाँ साहब अदनान फर्रुख अली शाह के नेतृत्व में गश्ती जुलूस निकाला गया, जिसमें मियाँ साहब ने रास्ते में पड़ने वाले तमाम मज़ारों, कर्बला आदि पर इबादत की और देश दुनिया में अमन शांति की दुआ मांगी। पिछले साल दिसंबर माह से ही निरंतर जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक पद पर कार्यरत रहे डॉक्टर JSP सिंह का शासन के निर्देश के क्रम में स्थानांतरण कर दिया गया है। अब जिला चिकित्सालय के नए प्रमुख अधीक्षक पद पर सीनियर रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर को बनाया गया है। उन्होंने सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का 100% पालन कराना, शासन द्वारा मुहैया कराई गई सुविधाओं को मरीजों व लाभार्थियों तक पहुँचाना होगी। वहीं उन्होंने बताया कि प्रमुख अधीक्षक पद पर रहने के साथ ही वह पूर्व की तरह अपने सीनियर रेडियोलॉजिस्ट के दायित्वों का भी निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। सरकार की तरफ से जो हमें निर्देशित किया जाएगा, जिस जिस विभाग का हमारे डिपार्टमेंट से जितने हमारे विभाग हैं उनका अक्षरता पालन करेंगे। सर, इसके पहले आप किस पद पर तैनात थे और अब आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है तो कितने खुश हैं? सर, इसके पहले मैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में तैनात था एज ए सीनियर कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट। विभाग में SIC के पोस्ट में पद ग्रहण भार लेने के बावजूद भी मैं अपना काम 2 घंटा से सुबह से करूँगा, 4 घंटे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट सोम और शुक्र सोचा हूँ मैं अपना योगदान दे दूँगा। उसके मरीजों से डॉक्टरों का किस तरह से व्यवहार होना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय? सर, व्यवहार तो अच्छा होना चाहिए सर, कुछ हम लोगों में भी कमी हो सकती है, उसको सुधारूंगा अपने से भी लेवल से। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में विभिन्न जनपदों से अपनी मूल कलाओं को समेटे हुए कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया।
मौजूद लोगों ने इन कलाओं को देखकर कलाकारों का जमकर उत्साहवर्धन भी किया। इस दौरान बनारस से आए हुए कलाकारों ने शंख और डमरू बजाकर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वहीं भगवान शंकर की लीला कर रहे कलाकारों ने भी लोगों का मन मोह लिया। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए बौद्ध संग्रहालय के उपनिदेशक डॉक्टर मनोज कुमार गौतम ने बताया, जैसे होता है कि जो विभिन्न अवसर मिल रहे हैं उन अवसरों पे उन कलाकारों को रोजगार देने के दृष्टिकोण से ये कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि कोई हमारा कलाकार बेरोजगार न रहे, उसको कुछ न कुछ मिलता रहे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कलाकारों के लिए सोचा है, कलाकारों के लिए कर रहे हैं, उनके लिए कलाकारों के लिए विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएँ दी जा रही हैं कि यह कलाकार हमारे संरक्षित हो, रोजगार परक हो और हमारी कलाएं भी समृद्ध और संरक्षित हो। सब माना जा रहा था आज से कुछ साल पहले जब प्रेक्षागृह की लड़ाई चल रही थी, नहीं हुआ। आज इतना भव्य भवन बन के तैयार है तो क्या कलाकार भी, युवा कलाकार खासतौर पे आकर्षित हो रहे हैं इसके तरफ? बिल्कुल आकर्षित हो रहे हैं और आप देख भी रहे हैं कि इस प्रेक्षागृह में विभिन्न तरह के कार्यक्रम हमेशा आयोजित हो रहे हैं और इससे लोक कलाओं के साथ साथ अन्य कलाएं भी जो हैं, और जो लोग इस तरह के कार्यक्रम बड़े पैमाने पे या और तरीके से करना चाहते हैं वो लोग कार्यक्रम यहां पे कर भी रहे हैं। दिन भर में इतना ही, आई नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी फरियादियों की समस्याएं, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में वृहद रोजगार मेले का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह से जनपद वासियों को दी 122.29 करोड़ रुपए की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 ई-टूरिस्ट बस, 10 इलेक्ट्रिक बस, 25 कूड़ा कलेक्शन वाहनों सहित अन्य वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था व विकास कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ की मंडलीय समीक्षा बैठक। अपर निदेशक स्वास्थ्य व सीएमओ ने जिला महिला चिकित्सालय में बाल स्वास्थ्य पोषण माह का किया शुभारंभ। मियां साहब अदनान फारूक अली शाह के नेतृत्व में निकला गश्ती जुलूस, मांगी गई शांति एवं अमन की दुआएं।
अब जिला चिकित्सालय के नए SIC होंगे डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर, पूर्व की तरह सीनियर रेडियोलॉजिस्ट के दायित्वों का करेंगे निर्वहन। और योगीराज बाबा गोरखनाथ प्रेक्षा गृह में प्रदेश के विभिन्न कोनों से आए हुए कलाकारों ने अपनी कलाओं के माध्यम से मौजूद लोगों को मोहा मन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।